लेकिन अल्टीमेटली गौरव तनेजा इसे जीत के निकले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स, और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही फेमस केस के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर के ऊपर है, यानी कि जिनको हम फ्लाइंग बीस्ट के नाम से भी जानते हो, श्री गौरव तनेजा। फ्लाइंग बीस्ट के यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हर जगह लाखों फॉलोअर्स है, बहुत फेमस वो यूट्यूबर है। अभी रिसेंटली उनका एक डिस्प्यूट हुआ था एयर एशिया के साथ, जहां एयर एशिया ने उनको मनमाने तरीके से उनकी जॉब से निकाल दिया था, उनसे डैमेजेस मांग रहे थे, उन पर डिफेमेशन का केस डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कैसे गौरव तनेजा ने बहुत ही ऑनेस्टली ये केस लड़ा और एयर एशिया को अपनी मुंह की खानी पड़ी, और एयर एशिया ये केस एक तरीके से उसको एक बहुत बड़ा, एयर एशिया की इसके अंदर कैसे बेइज्जती हुई, आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ का कॉन्सेप्ट भी क्या है, वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बहुत ही बेसिक में अगर मैं आपको इसके फैक्ट्स बताऊं केस के, तो फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव तनेजा ने 2019 के अंदर एयर एशिया को ज्वाइन करा था एज अ कैप्टन, और उनको इस ऑर्डर के अंदर भी ये बताया हुआ है कि उनको 15 लाख रुपए ज्वाइनिंग बोनस मिलने थे, जिसमें 7.5 लाख रुपए फर्स्ट ईयर के मिलने थे और 7.5 लाख रुपए सेकेंड ईयर में मिलने थे। इसके अलावा कंपनी ने कुछ 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए के अराउंड उनकी ट्रेनिंग के ऊपर भी खर्च करे थे। एंड जब एक्चुअली गौरव तनेजा को पता लगा कि एयर एशिया गलत प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, पैसेंजर की सेफ्टी से वो खिलवाड़ कर रहा है, तो उन्होंने इसके लिए कंप्लेंट्स करी। उन्होंने ओरली एयर एशिया को इन्फॉर्म किया, उन्होंने रिटर्न में कंप्लेंट्स करी, लेकिन एयर एशिया ने इन कंप्लेंट्स को सिंपली इग्नोर करा। लैंडिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फ्लैप 3 लैंडिंग और दूसरी होती है फुल फ्लैप लैंडिंग। तो जो फ्लैप 3 लैंडिंग होती है वो काफी रिस्की लैंडिंग होती है, लेकिन उसमें फ्यूल बचता है। लेकिन जो फुल फ्लैप लैंडिंग होती है वो कंपैरेटिवली सेफ लैंडिंग होती है, लेकिन उसके अंदर फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है। एयर एशिया ने अपने सारे कैप्टन और पायलट्स को बोला हुआ था कि उनको फ्लैप 3 लैंडिंग ही करनी चाहिए, ताकि वो फ्यूल बचा सके, क्योंकि वो एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, तो ताकि वो अपनी कॉस्ट कटिंग कर सके। एंड गौरव तनेजा यानी कि फ्लाइंग बीस्ट को लगा कि ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप जितने भी पैसेंजर्स हैं, जितने भी पायलट्स हैं, उनकी सेफ्टी से आप खेल रहे हो, उनकी आपने लाइव्स को रिस्क में डाल दिया, जस्ट बिकॉज आपको फ्यूल बचाने और अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है। तो इसके लिए गौरव तनेजा ने एयर एशिया को भी कंप्लेंट करी, किसी ने नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने डीजीसीआई को कंप्लेंट करी, लेकिन जब उन्होंने डीजीसीआई को कंप्लेंट करी तो एयर एशिया ने गौरव तनेजा के ऊपर केस कर दिया ये बोल के, और कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर ले लिया, टेम्पररी स्टे ऑर्डर। अभी मैं उसके ऊपर आता हूं कि गौरव तनेजा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी की डिस्क्लोज कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। जब गौरव तनेजा के अगेंस्ट कोर्ट ने ये स्टे ऑर्डर दे दिया, तब गौरव तनेजा को नहीं सुना गया था, यानी कि एक्स पार्टे उनकी एब्सेंस के अंदर ही ऑर्डर पास कर दिया गया था। उसके बाद जब गौरव तनेजा ने डीजीसीआई के अंदर कंप्लेंट करी, तो डीजीसीआई ने इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होल्ड करी और ये फाइंड आउट कर लिया कि एयर एशिया डेफिनेटली गिल्टी है, और उसके 2 टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल, जिसमें चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी भी है, उसको भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया, यानी कि एयर एशिया को इसके अंदर मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद जब केस चला ये, तो कोर्ट में जब ये गया, अगर कोर्ट में आपको स्टे ऑर्डर चाहिए होता है तो 2 तरीके का स्टे ऑर्डर होता है। एक तो परमानेंट स्टे ऑर्डर, परमानेंट स्टे ऑर्डर केस खत्म होने के बाद ही मिलता है, और दूसरा होता है टेम्पररी स्टे ऑर्डर, जिसको हम टेम्पररी इंजंक्शन भी कहते हैं। टेम्पररी इंजंक्शन जब तक केस चल रहा है तब तक के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, केस डिसाइड होने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बीच में रिलीफ के लिए टेम्पररी स्टे ऑर्डर लिया जाता है। तो उसके लिए ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर एक एप्लीकेशन लगती है कोर्ट के अंदर। अब अगर आपको स्टे ऑर्डर किसी के अगेंस्ट लेना है, जैसे एयर एशिया लेने की कोशिश कर रही थी गौरव तनेजा फ्लाइंग बीस्ट के अगेंस्ट, तो उसके लिए आपको 3 चीजें प्रूफ करनी होती है। सबसे पहले आपका एक प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए, यानी कि एक्चुअली आपका कोई केस होना चाहिए। दूसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए। एंड तीसरा, आपका इरिपेयरेबल लॉस होना चाहिए, जो मॉनिटरीली कॉम्पनसेट नहीं हो सकता। तो एयर एशिया ने गौरव तनेजा के अगेंस्ट बोला कि हमारा प्राइमा फेसाई केस भी है, हमारे पास बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी है, हमारा इरिपेयरेबल लॉस भी है। लेकिन गौरव तनेजा का बार बार यही स्टैंड था कि मैंने कौन सी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक मीडिया के अंदर बताई है या सोशल मीडिया के अंदर बताई है। एयर एशिया इस बात को भी डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा, क्योंकि एयर एशिया झूठ बोल रहा था। गौरव तनेजा ने कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं बताई थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यह बताया था कि एयर एशिया सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रही है, और कॉस्ट कटिंग करने के लिए वो पैसेंजर्स की सेफ्टी को रिस्क कर रही है।
तो जब कोर्ट ने ये पूरा का पूरा मैटर सुना और ये देखा कि गौरव तनेजा जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सच था, और जो एयर एशिया के दो चीफ्स थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, तो जो कोर्ट था उन्होंने ये जो स्टे ऑर्डर दिया होता वो रिजेक्ट कर दिया और गौरव तनेजा को उनकी जॉब वापस मिल गई। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं गौरव तनेजा को बहुत अच्छे से प्रेज करना चाहूंगा, बहुत उनकी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक सेल्फिश तरीके से ना सोच के बहुत अच्छे तरीके से सबकी सेफ्टी के बारे में सोचा, और उन्होंने इतनी वेल पेइंग जॉब का लालच में ना आके उन्होंने पैसेंजर्स की सेफ्टी को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, जिसकी वजह से ये केस सारा इशू हुआ, लेकिन अल्टीमेटली गौरव तनेजा इसे जीत के निकले। तो आई होप आगे ऐसा कुछ भी ना हो। अब मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर ये बता दिया कि अगर आपको कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेना है तो आपको तीन चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। सबसे पहला एक प्राइम ऑफ एसआई केस होना चाहिए, दूसरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए, तीसरा इरिपेयरेबल लॉस होना चाहिए जो कि मॉनेटरीली कॉम्पनसेट नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज मैं फ्यूचर में और बनाता रहूंगा, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। गुड बाय।